वोटरों का आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं। हाँ, और देखिए वोटर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और अब अब हम बात करेंगे जो वोटरों ने कहा है कि वो बात चली गई है जी, मशीन में कोई दिक्कत आ रही है इसकी वजह से लेट हो रहा है। तो हम 136 नंबर बूथ पे लोग परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा और भी कई बूथ पे दिक्कत है? नहीं, यही चलो लग रही है। चलो जो आपने बातें की है, हम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उससे बात करेंगे इस बात पे कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ पर गलती है, और गलती है तो उसको तुरंत उसको ठीक किया जाए। तो हमारे वोटिंग बहुत ज्यादा है, कुछ लोग ज्यादा है लेकिन कम है यहाँ पर। कहाँ पर वोट डाला है? दिखाओ। ये देखिए देखिए इस तरह से यहाँ के बुजुर्ग भी अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों के अंदर जो उत्साह है तेजी दिखाइए किस तरह से लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं और एक रेवोल्यूशन तरीके से यहाँ पर वोटिंग पड़ रही है। वो सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग जो पड़ रही है वो एक अच्छे अरेंजमेंट के तहत पड़ी जा रही है। अभी हम वोट पा के आए हैं, इनके आने के बाद हमें एक घंटे से राहत मिली कि जल्दी चला। सात वाला बूथ वाला उनके पास आता है, कहता है कि आपकी 400 हमारी 400 हो चुकी है, आपकी 280 हुई हैं। तो उन्होंने फिर तेज प्रोसेसिंग करी है। उनका लिखने आने के बाद ही सर हम आपके जो चैनल है अर्थ प्रकाश उसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके वोट आने के बाद ही हमारी वोट पड़ी, वरना हमें अभी एक दो घंटे और खड़ा होना पड़ता। आपके आने के बाद ही हमारे को बहुत जल्दी फ्री करा गया, बहुत इस प्रशासन ने फैसला जल्दी लिया और हमें जल्दी फ्री कर दिया। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। शुक्रिया नहीं बेटे, ये हमारा फर्ज है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा फर्ज है, देश हमारा है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप लेट भी हुए हो लेकिन इसके बाद भी अपने देश के प्रति वफादारी जताते हुए हमें लोगों को भी कहो कि वोट डालने आए, वोट डालने आ रहे हैं लोग, पर थोड़ा सा बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए, पानी का, लस्सी का। जैसे वो उन्होंने ऐड दिखाई थी कि लस्सी दी जाएगी बुजुर्गों को, कोई बुजुर्ग नहीं बेचारा घर जा रहे हैं वापसी, फिर घर से पानी पी के दोबारा आ रहे हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान भी रखा। तो आपने हमारे चैनल को अप्रिशिएट किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगा अंदर? बहुत अच्छा माहौल था, ये शांतिपूर्वक मतदान हो रहा था, कोई घबराहट तो नहीं हुई? जो वोट आ रहे थे घबराहट नहीं जी, कोई घबराहट नहीं, पहली बार। अच्छा ये बताओ, जब आपने बटन दबाया वोट का, दिल में ये लगा कुछ फील हुआ कि हाँ हम आजाद भारत के नौजवान हैं? फील तो हुआ था ही आजाद भारत के, जब भी हमारे को वोटिंग का अधिकार मिला, और अगर आजाद भारत से नहीं होते तो हमारे को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। और हमारे बीच में पहली बार जो
मतदान किया है इस शख्स ने, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्रयास है। प्रयास जी, फर्स्ट टाइम मतदान किया आपने, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, तो अब ये बताइए, आप अपने जैसे नवयुवकों को जो पहली बार वोट डालना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताइए पहले। बहुत अच्छा लगे, मैं सभी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलकर गर्मी को मात देकर वोट डालें और मतदान को सफल बनाएं। अच्छा, तो आप ये बताइए, इसके अलावा आप कुछ सुझाव दीजिए, जैसे पहली बार आप आए हो कि यहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम, ताकि दिक्कत ना हो। जी, गर्मी इतनी है और पानी पीने का प्रबंध करना चाहिए इनको गर्मी से, और कुछ गाइडेंस के लिए यहाँ पे लोग होने चाहिए कि यहाँ आ जाइए वहाँ जाइए, जिसका बूथ है उसको वहाँ गाइड करना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, नौजवान भारत के नौजवान जो पहली बार वोट डालते हैं, तो उन अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरीके से बेहतर हो सके। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, मेरे साथ कैमरामैन राकेश जी, अर्थ प्रकाश।